हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। बेस्ट क्वेश्चन, सभी एक्सट्रीम लेवल यानी हाई लेवल के क्वेश्चंस है दोस्तों। 100 क्वेश्चंस का सीरीज है और 100 क्वेश्चन को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, चाहे एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे केवीएस एनवीएस हो, सभी से रिलेटेड थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन, सभी चीजें आपको कराया गया है। एंड डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसका डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आप सभी रेडी हो जाइए और शुरू से 1 से लेकर 100 तक पूरा क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको एक अपना स्कोर पता चले। तो क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रत्यायोजन यानी डिलीगेशन है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है। ये तीनों संगठन के सिद्धांत हैं, बट अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट में एक विषय को पूरा किया जाता है। यदि उसके कुल पल्स काउंट 250 थे तो उसकी योग्यता इंडेक्स कितनी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में लुसिन ब्रोहा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बनाया था। इसमें एक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है जो पुरुषों के लिए 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर एंड महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर का होता है। इसमें पहले वार्मिंग अप किया जाता है, उसके बाद 5 मिनट तक उस बेंच में अप अप डाउन डाउन करते रहेंगे यानी 1 मिनट में 30 बार। उसके बाद 1 मिनट रिकवरी लेंगे, 1 मिनट आराम करने के बाद एक से लेकर 30 यानी 1:30 यानी 30 सेकंड पल्स काउंट करेंगे, फिर 30 सेकंड रेस्ट लेंगे, फिर 30 सेकंड पल्स काउंट करेंगे, फिर 30 सेकंड रेस्ट लेंगे, इसी तरह करेंगे। उसके बाद फिजिकल फिटनेस इंडेक्स ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड गुणे 100, यानी कि जितना आपने एक्सरसाइज किया है, 5 मिनट किया है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करके उसको 100 से गुणा करेंगे अपान सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी। रिकवरी के समय जितना आपने पल्स काउंट किया है उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 मिनट हमने व्यायाम किया है तो क्या हो जाएगा, 5 × 60 × यानी 5 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × 60 × 100 और कितना है पल्स काउंट, कितना है पल्स काउंट है 250 × 2, ठीक है, 250 पल्स काउंट है तो उसको 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 से हम गुणा कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर 5 को 60 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा 300, फिर उसमें 100 का गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000। 30,000 को 250 × 500 में आप भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा और 5×6 = 30 यानी कि 60×5 = 300 आपका कट जाएगा। आंसर कितना आया 60, ठीक है, आंसर कितना आया 60, यानी कि 60 इसमें राइट होगा, 60 क्या होगा इसमें राइट होगा, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मांग यानी कि शारीरिक और मानसिक और अनुक्रिया सामर्थ्य में काफी असंतुलन होना, जहां पर मांग की पूर्ति में असफलता के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो होता है दबाव यानी प्रेशर की अवस्था में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि घर्षण निर्भर करता है,
तो दोस्तों घर्षण कहते किसे हैं? जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है जो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के गति का विरोध करता है। घर्षण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है, किसी वस्तु की गति में सहायता करता है तो वो धनात्मक घर्षण हुआ। जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है वो ऋणात्मक घर्षण हो गया। जैसे आप फर्श पर चल रहे हैं, वो चलने में हमारी सहायता कर रहा है, खुरदुरी सतह जो होता है वो धनात्मक यानी चलने में सहायता करता है। और जो चिकना सतह स्मूथ सतह होता है वो घर्षण वहां पे कम होता है, ठीक है, वो गति करने में विरोध करता है। तो दोस्तों जैसे कि दैनिक जीवन में घर्षण हर पल हमारे लिए होता रहता है क्रियाकलाप में, तो भूमि घर्षण, घर्षण में दो सतह का होना आवश्यक है। तो भूमि घर्षण की बात कर रहा है तो यहाँ पे राइट हो जाएगा क। भूमि घर्षण निर्भर करता है संपर्क के धरातल और धरातल के स्वरूप पर, ठीक है। नेक्स्ट है मात्रा और भार। किसी द्रव के दो आयाम है, इनमें से मात्रा निश्चित होता है लेकिन भार परिवर्तित होता है। मात्रा निश्चित होता है बट भार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जैसे इंसुलिन का कार्य क्या होता है, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसे शुगर बोलते हैं। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा। इसी को कहते हैं डायबिटीज यानी शुगर यानी मधुमेह। नेक्स्ट अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई क्या है। जो स्केलेटल मसल्स होती है दोस्तों उसकी संकुचनशील इकाई होती है सार्कोमियर, और एक्टिन छड़ों का मायोसिन छड़ों पे खिसकने से मांसपेशी संकुचन होता है। तो सार्कोमियर दो जेड लाइन जो होता है उसके बीच में एक्टिन और मायोसिन होता है, उन दो जेड लाइनों को ही कहते हैं सार्कोमियर। जो दो जेड लाइन होते हैं उनके बीच के स्थान को जो एक्टिन मायोसिन वाला भाग होता है उसी को सार्कोमियर कहते हैं, जो अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई होती है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। तो शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना क्या है दोस्तों, आधुनिक संकल्पना है कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यही है आधुनिक शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना, शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। दोस्तों वेरी हेल्पफुल वीडियो है, शुरू से लास्ट तक धैर्य बना के देखिएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आप जब तक धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक कोई चीज नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए लगन चाहिए, धैर्य चाहिए। नेक्स्ट प्रबंधन का मुख्य कार्य आयोजन है, उसमें प्रबंधन का मुख्य कार्य आयोजन है जिसमें प्रबंधन में क्या होता है, ध्येय एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और लक्ष्य का कथन, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतम शक्ति को बढ़ाने के लिए भार का मानक ढांचा होता है। तो दोस्तों अधिकतम शक्ति बढ़ाने के लिए भार का मानक ढांचा क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा भार का अधिक होना और विश्राम मध्यांतर का अधिक होना। इससे आप ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, यानी कि भार अधिक होगा और उसके बाद रिकवरी पीरियड जो होगा विश्राम भी अधिक होगा, इससे आप अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है वायु धारकता एयर होल्डिंग निर्भर करती है। तो दोस्तों वायु धारकता जो एयर होल्डिंग होती है वो निर्भर करती है एल्वियोरल दीवार की, दीवार का कोशिका तंत्र एंड अंतरापर्शुका पेशी यानी इंटरकोस्टल मांसपेशी की ताकत। आसन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा।
जो हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स होती है उसी पर जो डायफ्राम होता है सदा रहता है, उस डायफ्राम के ऊपर फेफड़ा होता है। जब इंटरकॉस्टल मसल्स फैलती है तो डायफ्राम नीचे जाता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और बाहर की वायु अंदर आने लगती है, इसी को कहते हैं इंस्पायरेशन। एंड जब इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती है तो डायफ्राम जो है ऊपर चला जाता है और फेफड़े का आयतन कम हो जाता है और वायु जो है बाहर निकलने लगती है, इसी को कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी श्वास लेना, एक्सपायरेशन यानी श्वास बाहर छोड़ना, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो दोस्तों, आकार और आकृति के आधार पर मानव शरीर की अस्थियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बेन बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, एंसिसमॉइड बोन। तो जिसमें आपका ग राइट होगा, परिणाम हो आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, सही उत्तर बताइए कि कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक बल है कि धनात्मक बल है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों बल है। तो यहां पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों बल है, आपका राइट हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां प्रारंभ किया गया? तो वह है चेन्नई मद्रास में, YMCA कॉलेज जो 1920 में HC बक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट, इंटरवल प्रशिक्षण भार आधारित होता है। इंटरवल प्रशिक्षण यानी अंतराल प्रशिक्षण जो होता है वह हृदय गति दर व लैक्टिक एसिड संकेंद्रण पर आधारित होता है। हृदय गति दर और लैक्टिक एसिड संकेंद्रण पर आधारित होता है। इसमें दोस्तों अधूरा क्षतिपूर्ति अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अनकम्प्लीट रिकवरी यानी अधूरी क्षतिपूर्ति किसमें दिया जाता है, तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में दिया जाता है। इसमें जो हार्ट रेट होता है 180 तक पहुंच जाता है, जब कोई क्रिया का ट्रेनिंग करते हैं 180 तक पहुंचते ही उसको रोक देते हैं, और जो ही हार्ट रेट 120 से 140 के मध्य आता है यानी कि पूर्ण रिकवरी नहीं होने देते हैं, तो ही तुरंत फिर पुनः जो क्रिया होती है प्रारंभ कर दी जाती है। तो इसमें हृदय गति दर और लैक्टिक एसिड संकेंद्र पर आधारित होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट, अंत प्रतिष्ठानित स्पर्धा यानी इंटर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन, यानी कि यहां पे इंट्रामुरल की बात कर रहा है, जो एक संस्था के अंदर स्थापित होती है, चार दीवारी के अंदर होती है, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल दो संस्थाओं के मध्य होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटर कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का मुख्य ध्येय या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों उसका होता है, एक तो हो जाएगा अंतः विद्यालयी स्पर्धा का अनुभव प्रदान करना। इंट्रामुरल है यानी कि विद्यालय के अंदर होगा, विद्यालय के अंदर होगा यानी कि अंतर विद्यालय स्पर्धा का अनुभव प्रदान करना, और हो जाएगा विद्यार्थियों को जन सहभागिता का अवसर प्रदान करना। ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन राइट हो जाएगा दोस्तों, ग, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है शारीरिक क्षमता यानी स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए इसमें से, साकर एक गेम है कि साकर एक गेम भी है और स्पोर्ट भी है? तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, साकर यानी कि फुटबॉल जो है एक गेम भी है और स्पोर्ट भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मापा जाता है इसे? तो क्रॉस वेबर टेस्ट मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापा जाता है यानी कि न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति को मेजर करता है। यह 1954 में बनाया गया था। इसमें 6 टेस्ट आइटम्स हैं। नेक्स्ट है, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं? टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहते हैं दोस्तों रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किन रूपों में यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों यह गति शक्ति संतुलन के रूपों में यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1, 2 और 3।
एक दो और तीन। तो जैसे कि ऐसे आप कहेंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय श्रेणी के बल का लीवर, तृतीय श्रेणी के गति का लीवर, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकुचन और विस्तार होते हैं, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस में होते हैं। दोस्तों आपको ध्यान से देखना होगा, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सभी थ्योरी सेशन को देखिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे जो तल होते हैं यानी प्लेन होते हैं, तीन होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल को हम मीडियल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेजिटल होता है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और गति जो है आगे पीछे होती है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा क मीडियल एक्सिस, यानी कि मीडियल प्लेन होना चाहिए, यहाँ पे एक्सिस नहीं। नेक्स्ट है सही विकल्प को चुनिए। क्या है क्वेश्चन? कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली को कार्य क्षमता प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, इन्हें अपनाने से क्या होता है? दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर, जहां पे हृदय और फेफड़ों की क्षमता की बात आ जाए, वहां अधिक समय की क्रिया यानी सहनशीलता यानी एरोबिक क्षमता की बात कर रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जब भी कम समय की क्रिया होगी यानी एक से दो मिनट यानी कि सेकेंडों की और एक से दो मिनट की बात होगी, वहां पे आपको अनएरोबिक क्षमता यानी स्ट्रेंथ की बात होता रहेगा। और ज्यादा समय की क्रिया कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय और फेफड़ों की क्षमता बात आएगी, तो वहां एंड्योरेंस यानी सहनशीलता और एरोबिक क्षमता की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा, एरोबिक व्यायाम, एरोबिक एनएरोबिक कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, इस सबसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को, स्पोर्ट ट्रेनिंग के इस टॉपिक को अवश्य समझ लीजिए बार बार प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट दोस्तों सही विकल्प चुनिए कि ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना है। तो दोस्तों इसको कहते हैं आक्रामकता का साधन के रूप में उपयोग। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए कि बास्केटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली सामान्य चोट क्या है। तो दोस्तों बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अक्सर टखने की एंटेरियो की लेटरल लिगामेंट में चोट लगती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परीक्षण के समय उल्टी आने के एहसास का कारण क्या होता है। तो इसका होता है लैक्टिक एसिड का संग्रह होना। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों तो चांदी जड़ित 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन कब किया गया था। तो इसके गठन किया गया था 1954 में, और SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी स्थापना 1954 में ही हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों हार्वर्ड स्टेप की परीक्षण क्या मापता है। जैसे कि आप जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में ल्यूसीन ब्रोहा ने बनाया था। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा हृदय श्वसन क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे के क्रम में होने वाले आसन विकार यानी कि पोस्चर डिफॉर्मिटीज को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर होता है जो हमारा पीठ का भाग ऊपर उठ जाता है, उसको कुबड़ा यानी काइफोसिस कहते हैं, ठीक है। तो काइफोसिस आपका हो जाएगा। उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी एक तरफ ऊपर की तरफ, दूसरे तरफ और हिप दूसरे तरफ मुड़ जाता है, उसको कहते हैं स्कोलियोसिस। एंड जो लार्डोसिस होता है, हमारे कमर वाले भाग में गड्ढा बन जाता है, कर्व बन जाता है, उसको कहते हैं लार्डोसिस। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षा विधि का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही जवाब है फुटबॉल में। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य के लिए गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है
गैसों का लेना और बाहर निकालना उसको कहते हैं वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा यहां पे, तो उसको श्वसन कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा श्वसन, ठीक है। ब्रीदिंग और श्वसन में अंतर है। ब्रीदिंग में आपका इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड श्वसन जो होता है वह कोशिकाओं में होता है और ब्रीदिंग जो होता है वो फेफड़ों में होता है। ध्यान रखिएगा, वह श्वसन में आपका ब्रीदिंग होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों प्रक्रिया यानी इंस्पायरेशन श्वास लेना, एक्सपायरेशन श्वास बाहर छोड़ना, एक क्रिया होती है फेफड़ों में। उसके बाद एल्वोलाई में जब पल्मोनरी धमनी जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, तो एल्वोलाई जो होता है जो कुपिकाएं होती हैं वहां से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, और जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है कहां पे, कोशिकाओं में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो उसे कहते हैं श्वसन। ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से गैसों का आदान प्रदान रिस्पायरेशन या श्वसन कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जिन खराब तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उनको कहते हैं एक्सक्रिएशन। एंड खराब तत्व मानव शरीर में होते हैं सिक्रिएशन, डाइजेशन, मूवमेंट। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा में एक कमी आने से इंसुलिन के अवरोध का कारण बनता है का एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है दोस्तों यह ग्लूकोज की कार्यवाही का एक उदाहरण है, ठीक है। इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज जो है रक्त में ज्यादा हो जाएगा, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रति मिनट थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रवाह होता है, तो थायराइड ग्रंथि में प्रति मिनट रक्त प्रवाह कितना होता है, 4.5 से 7 मिलीग्राम प्रति मिनट। नेक्स्ट है, हड्डियों से संबंधित तंत्र है, तो हड्डियों से संबंधित तंत्र को कहते हैं कंकाल तंत्र। नेक्स्ट है, हार्मोन जो है प्रणाली के रसायनों के कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, दोस्तों जो जो हार्मोन होता है, जो ग्रंथियां होती है, तीन प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्जोक्राइन एंड मिक्स्ड। एंडोक्राइन ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, यह इसमें हार्मोन स्रावित होता है, तो यहां पे आपका हार्मोन आपका राइट हो जाएगा ख। और जो एक्जोक्राइन होते हैं वह एंजाइम का स्राव करती है, जैसे कि अमाशय से एंड अग्नाशय से निकालने वाली, ठीक है, अमाशय से निकलने वाली जो हार्मोन होती एंजाइम होते हैं, एंड छोटी आंत से, एंड जो हमारे आंसू हो गए, पसीना हो गए, ये सब होते हैं वह स्रावी ग्रंथियां। एंड मिक्स ग्लैंड जो होता है, मिक्स ग्लैंड जो होता है अग्नाशय है, क्या है, अग्नाशय है, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रसनी के हिस्सों, जो ग्रसनी होता है दोस्तों फेरिंग्स होता है, वह श्वसन तंत्र, श्वसन और पाचन दोनों प्रणाली से संबंधित होता है, तो श्वसन और पाचन दोनों प्रणाली से, यहां पे श्वसन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की हड्डियां मजबूत होती हैं, तो इस ऑप्शन में लंबी अस्थियां, रेगुलर, स्मॉल एंड फ्लैट, तो फ्लैट हड्डियां ज्यादा मजबूत होती हैं, फ्लैट बोन। नेक्स्ट है, सेट कमांड पर धावक किस स्थिति में होता है, तो जैसे कि स्प्रिंट दौड़ों में 100, 200, 400 मीटर दौड़ और रिले दौड़ में तीन कमांड दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क, सेट एंड गन फॉरवर्ड, तो और एंड लंबी दूरी की दौड़ों में दो कमांड, ऑन योर मार्क्स एंड गन फायर दिया जाता है। तो सेट कमांड में जो है पूरा भार कंधों पर होता है, एंड जो धावक की स्थिति होती है अस्थिर संतुलन होता है, ठीक है, अस्थिर होता है यानी गतिशील अवस्था में होता है वह। नेक्स्ट, डिस्कस की रिहाई के समय यानी कि जब डिस्कस को आप छोड़ रहे हैं तो कौन सा बल कार्य कर रहा है,
तो दोस्तों जब हम डिस्कस को घुमाएंगे तो वहां पे सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिमुख यानी केंद्र की तरफ बल लग रहा है, लेकिन जब हम डिस्कस को रिहाई यानी छोड़ेंगे तो उस समय केंद्र प्रसारक बल यानी कि बाहर की तरफ बल लगेगा। तो यहां पे राइट हो जाएगा दोस्तों, यहां पे राइट हो जाएगा ख, यानी केंद्र प्रसारक बल यानी जो सेंट्रीफ्यूगल बल होता है केंद्राभिमुख यानी सेंट्रीपिटल बल से अधिक होगा। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कौशल प्रशिक्षण, वह चरण है जहां एथलीट को खेल के महत्व पक्ष का एहसास होता है। किस महत्व पक्ष का? प्रदर्शन लक्ष्य का। किसका? प्रदर्शन लक्ष्य का। नेक्स्ट है मानसिक रूप से कठिन नियंत्रण एवं आत्मविश्वास को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानसिक रूप से कठिन नियंत्रण आत्मविश्वास को कहा जाता है, जब आंतरिक रूप से आप मोटिवेट रहेंगे तो उसे कहा जाता है प्रेरणा सामान्य महारत, महारत यानी मोटिवेशन जनरल मास्टरी। अब यदि मोटिवेशनल पर जनरल मास्टरी आपने किया हुआ है तो मानसिक रूप से कठिन नियंत्रण में आत्मविश्वास को आप बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीखने का कानून यानी कि सिद्धांत है, नियम है? दोस्तों थंडाइक ने 3 सिद्धांत दिया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यहाँ पे है व्यायाम यानी तत्परता का नियम, ये भी है अभ्यास का नियम, ये भी है प्रभाव का नियम, ये भी है। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास में शामिल है? तो दोस्तों मानसिक विकास जिसका अच्छा रहेगा वह उसके अंदर तर्क करने की या सोचने की क्षमता अच्छा रहेगी, तर्क और सोच शामिल है। नेक्स्ट है सीखने में प्रगति को दर को धीमा होना और एक सीमा से परे आगे सुधार असंभव लगना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है सीखने में पठार यानी प्लेट्यू। जैसे कि दोस्तों सीखने के वक्र 3 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र जिसमें आरंभ में सीखने के संबंधित गति तीव्र होता है फिर बाद में मंद होता है, ठीक है, और दूसरा धनात्मक होता है जिसमें आरंभ में मंद होता है बाद में तीव्र होता है, एंड तीसरा होता है मिश्रित वक्र जिसमें जो सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है किसी भी प्रकार की, जिसे सी टाइप या यश वक्र भी बोलते हैं। फिर दोस्तों एक ऐसा समय आता है कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती दिखाई देती, कुछ समय के लिए रुकी हुई सी दिखाई देती है और वक्र की रेखा नीचे या ऊपर नहीं जाकर एकदम सीधे चलने लगती है एकदम सपाट, उसे कहते हैं पठार, सीखने में पठार। नेक्स्ट है प्रेरणा का कौन सा प्रकार छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं होता? तो दोस्तों छोटे बच्चों के लिए आंतरिक प्रेरणा लागू नहीं होता क्योंकि वो बाहर की चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं, देखने की ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज के लिए आंतरिक प्रेरणा उसमें नहीं होती। नेक्स्ट है प्रभावी ढंग से शरीर के अंगों के छड़ों को एकीकृत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो उसे कहा जाता है समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका पैर, आपका हाथ, आपका आंख, आपका दिमाग एक साथ सब अंग एकीकृत हो रहे हैं, उसे कहते हैं समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा परीक्षण समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को नहीं नाप सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है गेंद पकड़ना, गेंद पकड़ते समय आपका आंख, आपका दिमाग, आपका हाथ एकदम समन्वय होगा, रस्सी कूदने में भी आपका दिमाग हाथ सब काम करेंगे, एंड जंपिंग जैंग में भी आपका अंगों का समन्वय आवश्यक है कोऑर्डिनेशन, एंड यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन को नहीं नाप सकता है तो वर्टिकल जंप यानी कार क्षेत्र कूद, ठीक है, इसमें सबसे कम प्रभावित यही होगा। नेक्स्ट लीवर का कौन सा प्रकार खेल के दौरान सबसे अधिक प्रभावी होता है? दोस्तों तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तीसरे प्रकार की उत्तोलक पाया जाता है और खेल के समय सबसे अधिक प्रभावी होता है तीसरे प्रकार का उत्तोलक जिसे गति का लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है बचपन में व्यक्ति का व्यवहार निम्न में से किससे
अधिक प्रभावित होता है दोस्तों तो परिवार से होता है। नेक्स्ट प्रतिस्पर्धा चिंता की कौन सी थ्योरी खेल प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों यहां पे राइट हो जाएगा उल्टे यू परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 39 टीम हो तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? तो दोस्तों टीमों मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र तो आप जानते हैं, बट आपको पहले राउंड में कितने मैच की संख्या होगी इसको ज्ञात करने का सूत्र, जैसे कि मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n-1 है, तो पहले राउंड में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र यह है कि n-number of by upon 2। क्या है? n-number of by upon 2। ठीक है, सूत्र क्या है दोस्तों? n-number of by upon 2। ठीक है, n-number of by upon 2। ठीक है, तो यहां पे हो क्या जाएगा कि हम देखेंगे n-number of by upon 2। n क्या है? 39 है। ठीक, अब नंबर ऑफ बाई आप देखेंगे, सबसे पहले 39 टीम है तो बाई कितना दिया जाएगा, तो बाई निकालने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2-n। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 यानी 64 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 64 में आप घटाएंगे 39 को, कितना आएगा दोस्तों? 64 में 39 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, यानी कि बाई की संख्या कितना हुआ? बाई की संख्या हुआ 25। बाई की संख्या कितना हुआ? 25। आप बाई निकाल लिए तो n-number of by upon 2। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? यहां पे 39 - n-number of by कितना है? 25 है अपान 2। तो 39 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 14 और बटा 2, यानी 7 × 14 कट गया आपका। आंसर कितना आया? तो आंसर आया आपका 7। कितना आंसर आया दोस्तों? 7। 7 आपका राइट होगा। 7 आपका कितना होगा? राइट होगा। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है तनाव, मोच, पट्टा चोटों के लिए तत्काल प्रबंधन क्या आवश्यक है? तो इन सब चोटों के लिए दोस्तों सबसे पहले आइस पैक का उपयोग किया जाएगा इन सभी ऑप्शंस में। नेक्स्ट है जीवित चीजों के अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B6 किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन बी सिक्स का वैज्ञानिक नाम है पाइरोडॉक्सिन। इससे के कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, यानी एनीमिया हो जाता है। इसमें आपका जिगर, दूध, अंडा सभी में पाया जाता है, बट सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका जिगर में, यकृत में। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशीय परत को क्या कहा जाता है? जैसे कि हृदय की जो मांसपेशियां होती है 3 मांसपेशी परत से बनी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी परत को मायोकार्डियम बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य पर चर्चा के दायरे से बाहर है? तो दोस्तों स्वच्छता पर हम चर्चा कर सकते हैं, रोग पर कर सकते हैं, विकृति पर कर सकते हैं, मौत चर्चा से बाहर है, ये होना ही होना है, इसके चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों?
तो पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या जो है वह चार होती है। कितनी होती है? पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या चार होती है। यह क्या है? थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले सतह पर मटर के दाने के समान चार की संख्या में होती है। यह क्या करती है? पैराथायरॉइड हार्मोन इससे स्रावित होता है। यह कैल्शियम के चयापचय में व्यवस्थित होता है। यह रक्त एवं शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा को बनाए रखने में योगदान देता है। इसकी कमी से दोस्तों बच्चों में रिकेट्स और टिटेनी हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसके अधिक स्त्राव से कैल्शियम की मात्रा में असंतुलन हो जाता है जिससे वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में 1896 एथेंस ओलंपिक जब प्रथम आधुनिक ओलंपिक हुआ था तभी से प्रारंभ शामिल किया गया है। कुश्ती के दो प्रकार है, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन को 1896 एथेंस में शामिल किया गया है और फ्री स्टाइल को 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया है और महिलाओं को कुश्ती में शामिल किया गया है 2004 एथेंस में। नेक्स्ट है, जूडो ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? तो दोस्तों जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया पहली बार 1964 में। तो दोस्तों आपने एग्जाम दिया होगा एमपी टेट का, तो उसमें आपका वॉलीबॉल एशियाई खेलों में कब शामिल हुआ, ये सभी जूडो भी पूछा था, तो सभी पढ़ाए हुए में से आया था। जिसको नहीं आया था क्वेश्चन वो सभी कहते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा गया था, बट जो अच्छे से पढ़ा था उसके लिए कठिन नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1992 के ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ के पुरुष विजेता कौन थे? तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना है, कार्ल लेविस तो 1984 में थे जिन्होंने 100-200 मीटर दौड़ एंड लंबी कूद और 4x100 मीटर रिले रेस में 4 स्वर्ण पदक जीता था। एंड बेन जॉनसन जो है सबसे तेज धावक, उसमें 9.7 में 100 मीटर दौड़ को दौड़े थे 1988 सियोल ओलंपिक में। तो यहाँ पे 1992 ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ की पुरुष विजेता का बात हो रहा है, तो लिनफोर्ड क्रिस्टी है। कौन है? लिनफोर्ड किस्ती। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ में दो बाधाओं के बीच की दूरी होगी 8.5 मीटर। कितना? 8.5 मीटर। वहीं पे 110 मीटर बाधा के में बाधाओं के बीच की दूरी होगी 9.14 मीटर एंड 400 मीटर पुरुष महिला दोनों के लिए 35-35 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, लार ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों हमारे शरीर में, हमारे मुख में लार ग्रंथि स्थापित होती है जिसे टैलिन नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों लार ग्रंथियां जो है तीन होती हैं, तीन जोड़ी होती हैं, तीन एक तरफ और तीन दूसरे तरफ, यानी कुल 6 होती है। जोड़ों में पूछेगा तो तीन होगा, ठीक है, तीन जोड़ी, जिसमें से पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। तो पैरोटिड आपका राइट हो जाएगा, पैरोटिड भी है इसमें। सब मैंडिबुलर को अव अधो हनुज भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त दोनों आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मैदानी हॉकी देश में विकसित हुआ? तो दोस्तों इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, जब सर डोनाल्ड ब्रैडमैन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हुए तो उनका बल्लेबाजी औसत क्या था? तो उनका बल्लेबाजी औसत था 99.94। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली बॉक्सिंग में किससे हारे थे? बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के, ए मोहम्मद अली, ए बॉक्सिंग में किससे हारे थे? तो ऑप्शन नंबर ग, ट्रेवर बार्बिक से हारे थे। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार किस ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था? तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम जो है सबसे पहले 1948 में ओलंपिक में भाग लिया था, 1948 में।
48 में भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में भाग लिया था, लंदन ओलंपिक में, जिसके कप्तान थे टीम बेंगल। और भारतीय टीम अपना पहला मैच ही 2-1 से फ्रांस से हार गया था। अब भारत की तरफ से एकमात्र गोल सारंग पानी रमन ने किया था। और दूसरी बार भाग लिया भारत ने ओलंपिक के 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, तीसरी बार भाग लिया 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें चौथा स्थान प्राप्त किया। तीसरी बार जो 1956 में भाग लिया जिसमें चौथा स्थान प्राप्त किया, और यह भारत की पहली और आखिरी बार ओलंपिक में चौथा स्थान रहा। और चौथी बार भाग लिया 1960 रोम में, जिसमें कोई स्थान नहीं, क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाया, ठीक है। उसके बाद इस ओलंपिक 1960 के बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस को आपको सही से हल करना होगा। जैसे कि मिल्खा सिंह का आप नाम जानते हैं, एथलेटिक्स से हैं, अशोक कुमार कुश्ती से हैं, लेकिन रमनदीप सिंह का कन्फ्यूजन है दोस्तों, एक क्रिकेट से है, मैंने सर्च किया, क्रिकेट से है, आशीष मोंगिया याचिंग से है, याचिंग यानी नौकायन को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सभी राइट दिख रहे हैं, कौन मेल नहीं है, तो रमनदीप हॉकी से नहीं है, क्रिकेट से है, ये मेल नहीं है। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, कौन से एशियाई खेलों में भारत की हॉकी टीम पाकिस्तान से फाइनल में हारी, तथा उस एशियन खेलों का आयोजन भी भारत ने किया था? आपको ध्यान रखना है, भारत में केवल दो बार ही आयोजन हुआ है, एक बार पहले एशियन खेल 1951 में, और दूसरा बार 1982 नौवीं एशियन खेल। तो नौवें एशियन खेल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंबे समय की कसरत में मुख्य खाद्य ईंधन होता है। तो दोस्तों, लंबे समय की इंड्योरेंस वाले चीजों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, शब्द क्यू, क्यू शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों, यह शब्दावली संबंधित है बिलियर्ड्स से। एक कैडी शब्द होता है जो गोल्फ से संबंधित है, ये दोनों बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में, 1930 हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था प्रथम कॉमनवेल्थ गेम। एंड 2022 का कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर आया है। एंड 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय कंपनी ने 16 फरवरी 2012 को बीसीसीआई के साथ अपने सभी गठबंधनों को वापस कर दिया था? तो वो था सहारा समूह। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2012 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2012 का विजेता था नोवाक जोकोविच। कौन था? नोवाक जोकोविच, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है 2022 ग्रैंड स्लैम में कौन कौन विजेता रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको याद रखना है कि टेनिस में एक साल में चार बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य माह में होता है, फिर फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन ओपन जून जुलाई में होता है, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, जिसमें सबसे पुराना प्रतियोगिता है, 1877 से आयोजित हो रहा है विंबलडन ओपन, एंड 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1891 से फ्रेंच ओपन, 1881 से यूएस ओपन, जिसमें से 2022 ग्रैंड स्लैम के विजेता हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों के विजेता नोवाक राफेल नडाल हैं, एंड विंबलडन के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, यूएस ओपन के विजेता हैं कार्लोस अल्कारेज। वहीं महिला की बात करें, महिला ग्रैंड स्लैम की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एस्ले बार्टी,
फ्रेंच ओपन एक्स स्विमाटेक, विंबलडन ओपन एलिना रिबाकिना, यूएस ओपन इगा स्विगातेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग जीवित पदार्थ है? तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म जो है पूरी कोशिका के अंदर भरा रहता है, उसे जैव द्रव्य कहते हैं, यह एक जीवित पदार्थ है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में औसतन कितने परसेंट पानी होता है? दोस्तों हमारे शरीर में 70% होता है, तो मांसपेशियों में 75% जल होता है। एंड रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है, ये सब याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अच्छ है? तो दोस्तों यहाँ पे गर्दन आपका अच्छ है, क्योंकि गर्दन पे जो एक्सिस एंड एटलस, गर्दन की सबसे पहली हड्डी है एटलस, उसके बाद एक्सिस, जिस पर पूरा गर्दन हमारा घूमता है। नेक्स्ट है, एथलेटिक हृदय क्या है? दोस्तों बार बार अभ्यास करने से हमारे हृदय का जो भार और आकृति होता है वह बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं एथलेटिक हार्ट, एथलेटिक हृदय कहते हैं। तो एथलेटिक हृदय क्या है? तो यहाँ पे रोगात्मक अवस्था नहीं होगा, उच्च रक्तचाप भी नहीं होगा, हृदय की एक असाधारण अवस्था भी नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, एक ऐसी सामान्य अवस्था जो उपयोग, यहाँ पे उपयोग शब्द का अर्थ है एक्सरसाइज यानी ट्रेनिंग, बार बार अभ्यास के सिद्धांत के कारण जीव वैज्ञानिक नियमों का पालन करती है, ये आपका एथलेटिक हार्ट हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझने का बात है दोस्तों, यानी एथलीट हार्ट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बार बार अभ्यास करने से, प्रशिक्षित हो जाने से हृदय का आकार और भार बढ़ जाता है, उसी को एथलीट हार्ट कहते हैं। जैसे कि आप एक मिनट में 72 बार सांस लेते हैं और ट्रेनिंग करते वक्त 180 तक चला जाता है, लेकिन जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं तो 40 से 50 बार ही श्वास लेते हैं, आराम से श्वास लेते हैं, जितना ही आपका हृदय का भार और आकृति बढ़ेगा श्वास उतना ही आराम से कम संख्या में लेंगे, आपकी सहन शक्ति उतना ही अच्छा आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेफ्रॉन्स किसकी, नेफ्रॉन्स जो है किसकी फिल्टर इकाई है? तो दोस्तों आपको पता है रक्त फिल्टर होता है किडनी, यानी कि किडनी में, गुर्दे में इसकी फिल्टर इकाई है, सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन, जिसमें रक्त का छनता है, फिल्टर होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और भ्रूणावस्था में यकृत यानी लीवर में होता है निर्माण। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसने कहा है? तो आप सबको पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अरस्तु जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? दोस्तों आप सबको पता है लंदन में हुआ था, 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, 2020 टोक्यो जापान में हुआ है और 2024 पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है, एक बालक का संपूर्ण विकास करना क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, एक बालक का संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। देख रहे हैं दोस्तों सभी आंसर आपको लगते हैं कि सभी सही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बालक का संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का एक लक्ष्य है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? दोस्तों तो ये है आपका यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट, कंधों का आगे की ओर झुकाव को हम क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं राउंड शोल्डर, कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं राउंड शोल्डर। पोस्टर डिफॉर्मिटीज यानी कि हमारे शारीरिक विकृतियां जो होती हैं, उस वाले वीडियोज को आप देख लीजिए, किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत यानी स्पोर्ट मेडिसिन के अंतर्गत, आपको सभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कूपर का परीक्षण मापता है, तो कूपर का परीक्षण क्या मापता है? तो दोस्तों कूपर ने 12 मिनट रन वॉक एंड कूपर ने 12 मिनट रन वॉक को दिया था कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मेजर करने के लिए 1970 में। उसके बाद इन्होंने 12 मिनट स्विमिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग को 1982 में बनाया।
कूपर का परीक्षण स्विमिंग साइकिलिंग एंड जॉगिंग 12 मीटर का जो है वह सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता को मापने के लिए उन्होंने बनाया था। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट वातापेक्षी एयर कैपेसिटी आपका राइट होगा। कूपर का परीक्षण मापता है वातापेक्षी एयर कैपेसिटी, ये नहीं दिया रहेगा कहीं तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्था की चार दीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, तो आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, तो सही आंसर है इंट्रामुरल। संस्था की चार दीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को इंट्रामुरल कहते हैं और एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच में आयोजित प्रतियोगिता को कहते हैं एक्स्ट्रामुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है दोस्तों, तो डबल फॉल्ट शब्द जो होता है वह टेनिस में प्रयोग आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है टेनिस में। नेक्स्ट है भारत का खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रम में आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, तो खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से आधारभूत कौशल होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए टेक्निक, यानी किस तरीके से टेक्निक स्किल स्ट्रेटजी टैक्सिस, ये चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी कौशल को सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है जूडो में प्रतिद्वंदी के शरीर को फेंकना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है तानी ओतोसी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तकनीक मैपिंग तकनीक है, तो यह नागा वाजे। नेक्स्ट दोस्तों वॉलीबॉल ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था, तो वॉलीबॉल को ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था 1964 में। कब शामिल किया गया था 1964 में, वॉलीबॉल को ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था 1964 में, और एशियाई खेलों में 1958 टोक्यो जापान में एंड ओलंपिक में 1964 टोक्यो जापान में शामिल किया गया था। आपके एमपी टेट में पूछा था कि वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था, तो 1958 वहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के पसलियों के पिंजरे में कितनी पसलियां तैरती हैं, तो दोस्तों जो 11वीं या 12वीं पसलियां होती हैं दो जोड़ी पसलियां वो तैरने वाली पसलियां होती हैं, यानी कि स्वतंत्र होती हैं, उरोस्थी से जुड़ी नहीं रहती हैं, स्टर्नम से जुड़ी नहीं रहती हैं। जैसा कि कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं जिसमें से 7 जोड़ी पसलियों को टू रिब से बोला जाता है, जो सातों जो है पसलियों से जुड़ी रहती हैं अलग अलग, और 8वां 9वां 10वां पसली जो होती है उरोस्थी यानी स्टर्नम से जुड़ने से पहले आपस में एक दूसरे से जुड़ करके मिलती हैं, और 11वीं 12वीं स्वतंत्र होती हैं जिसे फ्लोटिंग पसलियां यानी कि फ्लोटिंग रिब्स या तैरने वाली पसलियां बोला जाता है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में खेल समिति का अध्यक्ष होता है, दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया है विश्वविद्यालय में खेल समिति का अध्यक्ष होता है कुलपति यानी वाइस चांसलर। इसका मैंने सही आंसर नहीं पाया है, इसको आपको देखना होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा में रीढ़ की हड्डी माना जाता है दोस्तों, तो शारीरिक शिक्षा में रीढ़ की हड्डी नेतृत्व को लीडरशिप को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व तो बच्चों के भोजन के लिए अति आवश्यक है, तो बच्चों की भोजन की बात कहा है, तो बच्चों में शरीर निर्माण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा चलती है, तो शरीर का निर्माण करने वाला भोजन होता है प्रोटीन, कौन होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है सबसे युवा ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो दोस्तों यह है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, क्योंकि 1905 से यह खेला जा रहा है और सब पुराने हैं, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले भी साल में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने आज तक सबसे तेज सर्विस करने का खिताब हासिल किया है, तो वो है एंटी रोडिक। तो दोस्तों ये था 100 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, सभी क्वेश्चंस आपने कैसे हल किया, किसी में डाउट होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए।
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों। और इसी तरह डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलती है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।